जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ अखंड भारत में आपका स्वागत है। अभी जब इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही तानातानी चल रही है, हम देख रहे हैं कि पंजाब में रह रहे या पंजाब के बाहर रह रहे कुछ खालिस्तानी आतंकवादी बहुत ही भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, बहुत ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पंजाब में भी बहुत ऐसे तथाकथित खालिस्तानी सिख हैं जो चाइना का साथ दे रहे हैं। ये खालिस्तानी सिख, मैं इनको सिख भी नहीं कहता, ये खालिस्तानी वो हैं जो मुसीबत आने पे अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी के पास चले जाते हैं, क्योंकि असली बाप के लिए ही इनका अपना दिल धड़कता है। पंजाब में भी कुछ ऐसे ही खालिस्तानी बैठे हैं, कभी वो पाकिस्तान को अपना बाप बना लेते हैं और आजकल उनका नया बाप चाइना बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तथाकथित खालिस्तानी सोच वाले आतंकवादी हर बार अपना बाप चेंज करते हैं। अब इन महाशय को ही सुनिए, भारतीय फौज को ये क्या कह रहा है, भारतीय फौज में ये फूट डालने की कोशिश कर रहा है, भारतीय फौज को ये सिख वर्सेस अदर्स करने की कोशिश कर रहा है ये खालिस्तानी। इसकी जो शिकायत है वो सीएम और होम मिनिस्टर अमित शाह जी तक पहुंचा दी गई है, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं है इसलिए इस पर अभी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जो खालिस्तानी सोच रखते हैं वो इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अफसोस है, सिख रेजिमेंट नाल और उन्होंने चारी परिवारों नाल जिन्हों के चार सिख भारतीय फौजी भारतीय हुकूमत ने खबर आ रही है कि आप ही मरवा दिते हैं, ताकि सिखा का जोड़ा रोह आ चाइना के खिलाफ भड़का के हर वार की तरह सिखा फाइटिंग टूल के तौर पर वरत्या जा सके। सो सिख फौजी वीरो, जिथे सारा सिख जगत थोड़ी इज्जत भी करता, असं चिंतित भी रहने थोड़े बारे, सारी दुनिया में इस वे दिस रहा कि जिमें बंदर फुलियां पा के तड़ाई द इदा केसरी झंडे थोड़े ट्रकों से ला के देश बाबर मोहे शब्द पढ़ के फिर एक बार तुहानू बलदी दे बूथे डाह के लड़ाउण मराउण दी तैयारी है। फैसला तुहाडे हत्थ आ, तुहाडे नाल भी सीधा चाइना वाले सिख रेजिमेंट नाल लड़ के राजी नहीं, सेम जिवें कि मुसलमान वीर पाकिस्तान वाले 1971 दे विच ओह भी नहीं सी लड़ना चाहुंदे, पर बिहार रेजिमेंट ने साबण घोल के पी लिया सी ते लूज मोशन लवा ले सी कि लड़ना ना पवे। जो सिख रेजिमेंट उत्ते लाई, मुसलमान वीर उदों भी कहिंदे सी आंदे सरदारो तुसीं फिर आ गए इन्हां दे हक च, असीं बन के मशकां इन्हां दीआं लाहौर लै जाणियां सी, नाले इन्हां नूं इक वारी पता लग जूगा। दोस्तों, ये आतंकवादी भारतीय फौज में जो कार्यकर्त सिख हैं जो अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं भारतीय फौज में, उनको भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि भारतीय फौज ने और भारत की सरकार ने चार सिख फौजियों को खुद ही मरवा दिया, ये इल्ज़ाम लगा रहा है। और ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सिख फौजियों से ही डरता है, ना कि किसी दूसरी फौज से डरता है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के सिखों को ही नहीं भड़का रहा, ये पूरे पंजाब के सिखों को भड़का रहा है भारत के लिए। ऐसी गंदी सोच इन खालिस्तानी आतंकवादियों की है जो रोज ही अपना बाप चेंज करते हैं, क्या उनको ये हक है कि क्या दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए, दूसरे के ऊपर वो उंगली उठाए किसी बात को लेकर। इनके किसी भी कोई भी तथ्य इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और चाइना को अपने बाप मान चुके ये खालिस्तानी ये बात कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, झूठ इनकी रगों में बसा हुआ है, क्योंकि खालिस्तान का बाप पाकिस्तान है। और अब तो ऐसा लगता है जैसे खालिस्तान ने पाकिस्तान को अपना जीजा भी बना लिया है, क्योंकि हर बार ये अपनी जीजा साले वाली बातें ही करते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, झूठ का सहारा इनके सर पे है, झूठ इनकी रगों में बसता है। हम सभी भारतवासियों से और सभी उन देशभक्त सिखों से भी ये कहते हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, इनको इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि ये असली सिख नहीं है, ये हैं नकली सिख हैं, ये जो पाकिस्तान की पैदाइश हैं, जो चाइना की पैदाइश हैं, ये वो सिख हैं, ये गुरु के सिख नहीं है। तो कृपया दोस्तों,
इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत इनके खिलाफ दर्ज करवाएं, ताकि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चले और इनको अपने किए पे पछतावा भी हो। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ अखंड भारत।